मेरे बड़े बेटे का और एक लड़के का झगड़ा हो गया, आपस में लड़ाई हो गई। तो ये राधा धन के वो चुप बैठे, इसने उठ के छोटे से इतने बड़े लड़के को थप्पड़ मार दिया कि मेरे भाई के साथ लड़ता है, मेरे भाई को मारता है। ये बचपन से बड़ी अच्छी। तब तब इनकी उम्र क्या होगी ये जब एक्शन सीक्वेंस हुआ था? आई थिंक 7 साल की होगी। अच्छा, शुरुआत काफी जल्दी हो गई। जी। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। क्योंकि आप हमारी बहुत खास मेहमान हैं और वैसे भी बहुत खास पर्सनालिटी हैं, तो क्या मैं आपसे दरखास्त कर सकता हूँ कि आप तशरीफ रखें? जी, प्रीति से बहुत सारी बातें करनी है हमको, बहुत सारे ऐसे राज खोलने हैं जो प्रीति ने आज तक किसी को बताए नहीं थे और जो प्रीति को भी नहीं मालूम कि हमको मालूम है। तो बिल्कुल शुरुआत से शुरुआत करते हैं, जो है बुलाते हैं स्टेज पर नील प्रभा जिंटा जी को। How sweet! You look very nice, and I know my mom must be very nervous. नील प्रभा जी, आपके दो बेटे हैं और एक लाजवाब आपकी बेटी है। I can just see it. What can you see? My mom's getting all hassled. क्या ये सच है नील प्रभा जी कि प्रीति जो है इंतहाई शरारती लड़की थी? बहुत नोटी थी और बिल्कुल टॉम बॉय जिसको बोलते हैं। दोनों भाइयों के साथ ये बिल्कुल दादागिरी करती थी। आप प्लीज फरमाएं, कोई हमको ऐसी कोई घटना बताइए जिससे पता चले कि प्रीति दरअसल जो इतनी मासूम और यूं मुस्कुराती हुई रहती हैं वो दरअसल क्या है, बचपन में क्या थी, इसके बारे में कुछ बताइए। मॉम, यहाँ पर घर तो फिर मेरे पास नहीं। बहुत नोटी थी, दोनों भाइयों के साथ एक बारी स्कूल जा रही थी तो मेरे बड़े बेटे का और एक लड़के का झगड़ा हो गया, आपस में लड़ाई हो गई। तो ये राधा धन के वो चुप बैठे, इसने उठ के छोटे से इतने बड़े लड़के को थप्पड़ मार दिया कि मेरे भाई के साथ लड़ता है, मेरे भाई को मारता है। ये बचपन से बड़ी। तब तब इनकी उम्र क्या होगी ये जब एक्शन सीक्वेंस हुआ था? आई थिंक 7 साल की होगी। अच्छा, शुरुआत काफी जल्दी हो गई। जी। गलती से प्रीति की जबान से निकल गया था और मैं वो सबके सामने बतला ही दूँ, नहीं नहीं प्रीति सब अपने ही लोग हैं, सब अपने आपके चाहने वाले हैं। आपने क्या किया था? आप आइए ना, आइए मैदान में, आइए 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 मैदान में। मेरा माय एल्डर ब्रदर जो आपने देखा है उसकी और मेरी लड़ाई होगी एक बारी, तो मैंने पत्थर लेके उसका सर तोड़ दिया। तो फिर वो रोने लग गया। तो रोने लग गया तो जब मैं बचपन में जब मैं छोटी थी तो मैं कभी भी रोती थी तो मेरे पापा हमेशा बोलते थे कि तुम राजपूत नहीं हो, तुम राजपूत की दुम हो, क्योंकि राजपूत रोते नहीं हैं। तो मैंने पटाक करके उसको एक थप्पड़ मार के बोला कि तुम राजपूत नहीं हो, रोना बंद करो, प्लीज स्टॉप क्राइंग। तो उसका खून निकल रहा था और वो चुपचाप बैठा हुआ था। फिर जब मॉम आई तो फिर मुझे पता था कि मेरी अभी धुलाई होने वाली है, इसलिए मैं टेबल के नीचे छुप गई। तो पूरी रात मैं टेबल के नीचे सो गई एंड इन लोगों ने सोचा कि मैं डर के मारे घर छोड़ के भाग गई हूँ, व्हाटएवर। तो इधर से लोगों को भेजा, इधर से पुलिस को बुलाया, तो मैं पूरी रात टेबल के नीचे सो रही थी। सुबह वो भाई ने मुझे देखा जो फर्श साफ करती थी, ये तो यहाँ बैठी हुई है। I was like dying out there thinking they'll kill me now. But how sweet my brother, he's so fuzzy na. लेकिन ये शुरू में जब थी छोटी बिल्कुल, तब आपको ऐसा लगता था कि ये फिल्मों में जाएंगी, ये एक्टिंग करेंगी, ये सिर्फ शरारत कर करके ही अपनी सारी जिंदगी? नहीं, ऐसे कभी नहीं सोचा था कि फिल्मों में जाएगी। जी। ये पढ़ाई में अच्छी थी तो हम सोच रहे थे जैसे ये है कि शायद IAS या इंडियन फॉरेन सर्विसेज। लेकिन फिर जब प्रीति के वालिद साहब का, पिताजी का इंतकाल हो गया, तो फिर एक प्रीति ने की जिंदगी ने भी एक नया मोड़ लिया और हम जानते हैं कि उनकी पर्सनालिटी ने भी कुछ तब्दीलियाँ आई।
आई थिंक यू नो जब आप बहुत व्हेन यू वेरी यंग और बचपन में कुछ ऐसी चीज़ हो जाए, कुछ दुर्घटना हो जाए, तो फिर एक नया लेवल मैच्योरिटी का आ जाता है. यू डू अंडरस्टैंड लाइफ बेटर. तो आई थिंक आई ग्रू अप, आई डेफिनेटली बिकेम मोर मैच्योर, बट वैसे तो कोई चेंज नहीं आया. माय गॉड, व्हाट आर यू डूइंग टू मी? आई हैव थॉट पता नहीं क्या शो है ये. तो ये सर बिल्कुल सच में, ये सत्यमेव जयते वाला शो. ये जो पढ़ते स्कूल में ज्यादा जो पढ़ते थे, घर में आके कम ही पढ़ते थे. अभी जब इसने 10th के पेपर दिए अपने, तो मेरे को पता चला कि कल इसका इंग्लिश का पेपर है और मैडम के पास बुक नहीं है, इंग्लिश की बुक ही नहीं है. सो मैं गई मार्केट से इसके लिए बुक लेके आई. ये तो नर्वस नहीं थी, पर मैं इतनी नर्वस थी कि इसके पास बुक नहीं है, क्या करेगा, जरूर फेल हो जाएगी. लेकिन लेकिन अच्छे नंबर पास. लेकिन जब इसका रिजल्ट आया तो इसने हिमाचल में इंग्लिश में ये फर्स्ट स्टैंड किया. अंग्रेजी. शगुन जो है वो प्रीति की बचपन की दोस्त है, और ये सारी चीजें जो प्रीति ने अभी निकाली थी बैग में से, ये सब इनकी बचपन की यादों से जुड़ी हुई थी. और अरविंद साहब जो है, अरविंद खन्ना साहब जो है, शगुन के पति हैं. शगुन, आपकी और प्रीति की कब की जान पहचान है? आई थिंक हम लोग एक दूसरे को जानते हैं जब हम 11-12 साल के थे, तब से. आपकी स्कूल थी शिमला चेल्सी जीसस एंड मैरी, कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी. अब तक वो दोस्ती हाँ जी. 12 दिन तक शादी चली थी, तो कभी संगीत, कभी मेहंदी, कभी चूड़ा. एंड अरविंद के कुछ फ्रेंड्स आए हुए थे लंदन से, अमेरिका से, इटली से. कुछ नहीं किया, पर इन्होंने हमको बोला आप हमारे साथ एयरपोर्ट चलो उनको पिकअप करने. तो हमने कहा नहीं नहीं हमको नहीं आना. तो फिर हम ऊपर बैठे हुए थे, तो वी सॉ ऑल दीस गुड लुकिंग गाइस कम, सो वी रैन डाउन एंड वी वर लाइक ऑल इन द पार्टी. ये तो आप बचपन से आप दो ही लोग थे दोस्त, या कुछ और भी आपके ग्रुप में और भी लोग थे? well, जब आप स्कूल में थे. वेल बचपन से वो देयर वाज शगुन, देयर वाज मी, देयर वाज मार्गरेट, रिमेंबर मार्गरेट फ्रॉम मिजोरम, एंड देयर वाज अनदर गर्ल कॉल्ड अदिति, एंड वी यूज्ड टू कॉल आवरसेल्व्स स्मजीज. सबका ग्रुप होते थे अलग अलग, हमारे ग्रुप का नाम था स्मजीज. हम लोग बैंड बनना चाहते थे. स्मजीज क्यों नाम था? पता नहीं, और कोई नाम नहीं मिला, क्योंकि उस टाइम हम म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट रखते थे. ये लीड सिंगर बनना चाहती थी और मैं ड्रमर. स्मजीज के जमाने की एक याद ताजा करते. We are the world, we are the children, we are the ones to make a brighter day, so let's start giving. Is it Margaret? I'll slap you both. तुम दोनों मुझे भूल गए. इट इज मार्गरेट. आप तशरीफ लाए. नो वे. ओह माय गॉड. हाय. ओह माय गॉड, हाउ आर यू? प्रीति, आपने देखा हम आपके लिए कितनी तकलीफें उठाते हैं. माय गॉड. कहां से आपके पुराने दोस्तों को आप ढूंढ के लाते? कितने सालों से आप मिली नहीं इनसे? 13 इयर्स. 13 साल से. I can't believe this. This is really funny. ये क्या आप मार्गरेट आपके हाथ में? हमारा स्लैम बुक. स्लैम बुक. अच्छा अच्छा. ये किताब जो है जिसमें ये तीन स्मजी टाइप की चीजें नजर आ रही हैं, ये मार्गरेट की बचपन की किताब है, और इसमें प्रीति को झांकने की इजाजत नहीं है. भाई ऐसा हुआ था कि मार्गरेट ने जो है कुछ प्रीति से एक दिन कहा था कि आपकी दिल की सारी अंदरूनी ख्वाहिश जो है जो आप किसी और को नहीं बताएंगी और सिर्फ मुझे बताएंगी, और मैं भी कम से कम 10 साल तक किसी और को नहीं बताऊंगी, ऐसी बातें मुझे लिख के बता दीजिए. तो उसमें से सिर्फ तीन मासूम सी चीजें मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं. व्हाट वुड यू हैव इंस्क्राइब्ड ऑन योर ग्रेवस्टोन? मतलब आप जहां पूर्ण विश्राम के लिए लेटेंगी, वहां जो आपके नाम का पत्थर लगेगा उस पर आप क्या खुदवाना चाहेंगी? प्रीति ने क्या लिखा? Come one, come all, but only handsome hulks. भाई मैंने ये सुना था कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, जान निकल गई लेकिन ये खाई नहीं गई. Only handsome hulks. इसका क्या मतलब है भाई? नहीं, नहीं, मैंने नहीं लिखा है. अरे आपके हाथ में लिखी हुई दिखाई है, हमारे पास मौजूद है. Your favorite motto. आपका फेवरेट मोटो क्या है? प्रीति जी ने लिखा,
लाइफ इज टू शॉर्ट टू डांस विद अगली गाय. ये इनका फेवरेट मोटो था. नील प्रभा जी, ये बातें आपको मालूम थी? मेरे पास है इनके हाथ का लिखा हुआ. डिस्क्राइब योर रियल हंक. आपने सबसे मतलब खाबों के राजकुमार का डिस्क्रिप्शन. अच्छा, मैं उसको 11 साल की थी, 10 11 इयर्स की, जब मैंने लिखा था. अरे तो 11 साल में ये लक्षण थे आपके. इसका क्या मतलब है? Oh my God. We heard of early starts in life, but this early? मैं पढ़ के सुनाता हूँ. ये हाथ की लिखी बात है, मैं मन से नहीं पढ़ रहा हूँ. He should be sexy, hot, smart, well built, with piercing and romantic eyes. Should be a damn rich person. Should be a damn rich person. Hey, how me? He should live in style and keep me in style. अच्छा भाई, his presence should. ये बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा. प्रीति, बिल्कुल आप इसमें बहुत और से सुनिएगा. आप लोग भी दोस्तों सुनिएगा. His presence should send shivers in my body. I think it was all those books. क्योंकि इतनी सारी चिट्ठियां आपकी. कौन सी बुक्स थी वो हम पढ़ते थे? Mills and Boone. Mills and Boone. पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर.